जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पिछले वीडियो में हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टे करते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुझे गुड़गांव की तरफ जाना है, तो हम जो है बस वहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आप तब तक एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और फ्रेश हो रहे हैं। फ्रेश होने के बाद जो है हमारा सामान ये रखा हुआ है यहाँ पे। मेरा बैग भी ख़राब हो चुका है, उसको हमें पहले सिलवाना है, उसके बाद जो हम यहाँ से निकलेंगे, मेट्रो स्टेशन पकड़ेंगे। मेट्रो स्टेशन से मुझे एक जगह जाना है, मैं रास्ते में आपको बताता हूँ। तो भैया जी, अब हम निकल चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। फटी पड़ी है, दिमाग की माँ दही एक हो गई है अब हमारी। क्या बोला तूने? काफ़ी पुराना स्टेशन लग रहा है यार, लेकिन बस ये है कि अच्छा है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो अच्छा लगता है कभी कभी, आते हैं चेहरे पे मेरे खुशी रहती है, बट लगी पड़ी देख रहे हो, बैग मतलब चैन ख़राब हो गया है। और ये है दिल्ली की सुबह धूप, और हम आ चुके हैं अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। इतनी खुशी भैया। मेट्रो की लाइनें लगती हैं और ये देखो फटी पड़ी भाई। बज के 37 मिनट हो रहे हैं, हमें चले हुए हो गए आधे घंटे टोटल चांदनी चौक से, और हम अभी जा रहे हैं सिकंदरपुर, और तो बस वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा मेन काम है, जो मेरे साथ है उनका काम है, उनका काम करा के फिर हम उसके बाद जो है हम होटल लेंगे। होटल लेने के बाद मैं कल निकलूँगा अपने सेंटर के लिए। बस फिंगर क्रॉस्ड सब बढ़िया ही जाएगा, और काफ़ी खाली है आपका मेट्रो स्टेशन ही। क्या बोला तूने? जो है वो हम कुतुब मीनार रेलवे मेट्रो स्टेशन पे हैं, और यहाँ कहीं दिख रहा होगा कुतुब मीनार में। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा? माँ मैं दिखाता हूँ रियर व्यू से, वो है आपका कुतुब मीनार। टाइम की कमी है वरना मैं जाता, और मैं काफी दिल्ली घूमूंगा। बस एक स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो काफी अच्छा है। बाहर निकलने का तो नहीं है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अभी जो है हम 62 सेक्टर पे खड़े हुए हैं, और हालत बहुत टाइट हो गई है सुबह से, और वो बंदा गया हुआ है अपना पीजी देखने, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुल मिला के ये है कि चीज़ें साफ हो रही है, मतलब यहाँ से मेरा अभी सेंटर 12 किलोमीटर दिखा रहा है, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जो कुछ होगा वो आपको बताया जाएगा। वैसे गुड़गांव शहर तो भाई HR 26 काफ़ी ज़्यादा है, पैसे वालों का शहर तो है ही ये। और दूसरा जो है नवीनी जैसे लड़के जो हैं वो फेमस हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा उसी के लिए फेमस है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो हमें और जाना आगे, तो जो भी कुछ होगा मैं आगे आपको बताऊँगा। भैया जी, हम बैठे हुए हैं सेक्टर 61 के चौराहे पे, और ये जो आप सीधे देख रहे हो ये हांगकांग मार्केट जाती है। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब क्या बताएं, नौकरी लगी है माशाल्लाह ही है कह सकते हो, बट रहने का थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अरे यार कसम से, मतलब गुड़गांव शहर गुड़गांव है यार, बस ये थोड़ा सा पेड़ मिला है तो इस वजह से यहाँ रह रहे हैं। बाकी जब आप देखोगे इस व्लॉग को जब आप देखोगे तो ये यार सच में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। मशक्कत का मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। मैं जो हूँ ना, होटल का नाम नहीं बताऊँगा कि किसने मुझे कंसेशन नहीं दिया यार, क्या करें बताओ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस उसके जो है इंटीरियर और जो उसका रूम वूम था वो देख लो आप और मज़े लो।
A few moments later. अबे चूतिया खोल इसे! हाँ यार बहुत गर्मी हो किराया बहुत लेते हैं यहाँ पे यार तुम हाँ तो ये कुछ इस तरह से है आपका मेरा रूम जो कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वो एसी ये पंखा ये बेड थोड़ा सा अनडिस्टर्बेंस है क्योंकि मैं जैसे ही आया वो पूरा एकदम जो है ये पूरा सामान जो है उस बंदे का मेरा तो ये थोड़ा सा है थोड़ा सा अनडिस्टर्बेंस है बट उसके लिए क्या ही कर सकते हो मैं आया था बट जब मैं आया बहुत ज़्यादा थका था इस वजह से मैं डायरेक्ट फ्लैट हो गया तब यही है कल मुझे निकलना है और कल इसके बाद मुझे फिर एक नए सफ़र पे चलना है तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना यहाँ तक तो ध्यान लगाए रहना बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं ओके बंद करो हाथ जोड़ के मैं तो भैया जी ये होटल लिया हमने ये देखिए पंखा चली नहीं रहा ये तो अब इसका जुगाड़ यही करना है कि जुगाड़ यही होता है कि इस पे चढ़िए और इसको इस तरह से घुमाना है तो घुमाते हैं थोड़ी देर में चल जाएगा ओके तो नाव भी लगा के देख लेते वाह यही है मजे ले रहे हैं तो यही कर रहे हैं आराम कर रहे हैं थोड़ा सा और ये कल का प्लान जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं एक मैप बनाया जा रहा है मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस लिए आया था क्या करने वाला हूँ आगे क्या होगा इस सेकेंड वीडियो में आपको जरूर पता चलेगी अभी तक बस रूम ही हो जा रहा है इनका भाई साहब का पीजी यूजी अब देखो कल फाइनल करेंगे ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे बाकी पैदल चलते चलते हालत टाइट करवा दिया इसने मेरी और अपनी खुद की अब पता नहीं छाले वाले ना पड़ जाए पैर में तो हम तो थोड़ी देर पहले रूम से बाहर निकले थे और अब जो है पीजी खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है तो अब सीधे जाएंगे रूम पे कल फिर से स्टार्ट करेंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा कल आपको पता तो अभी जो है मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा स्टोरेज है वो भर चुका है तो हम अभी जो है वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद सीधे बेड पर जाएंगे आँखों में नींद है और एडिटिंग देख लेंगे एडिटिंग अभी करेंगे तो कर लेंगे वरना सुबह हम बताएँगे आपको और पूरा मैप कल आपको सुबह समझाऊंगा तो मिलते हैं एक नए फ्रेश कमाल वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय शब खैर जय हिंद to doubt try to keep me down but I'll put the flame out you can't get to me throw your sticks and your stones go break all of my bones you won't ache my soul you can't get to me and every